बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वर्त की डायमेंशन फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं वर्त का फॉर्मूला। हम जानते हैं वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, वर्क W इज इक्वल टू F इंटू D। वर्क की डायमेंशन लिखनी है तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा इस तरह से कि फोर्स की डायमेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन। और जब भी हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना चाहें तो हमें डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखना होगा, फिर देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज शामिल हैं। तो फोर्स के बारे में हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू एम ए। मास बेस क्वांटिटी है लेकिन एक्सेलरेशन बेस क्वांटिटी नहीं है। हम एक्सेलरेशन को बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो मास एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो ये भी बेस क्वांटिटी है, टाइम बेस क्वांटिटी है लेकिन वेलोसिटी बेस क्वांटिटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अब वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे एम ओवर टी। इसको मैं अलग लिख लेता हूँ एम ओवर टी और ये साथ लिख दिया वी और ये है डिस्प्लेसमेंट डी। नेक्स्ट एम ओवर टी ये तो बेस क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी बेस क्वांटिटी नहीं है तो मैं वेलोसिटी के लिए लिख सकता हूँ दैट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, ये भी बेस क्वांटिटी है, मास टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट ये सारी बेस क्वांटिटीज हैं। तो मैं अब डायमेंशन लिख सकता हूँ वर्क की इस तरह से, डायमेंशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट में देखें मास बेस क्वांटिटी है इसकी डायमेंशन होगी कैपिटल एम, टाइम की डायमेंशन है कैपिटल टी, डिस्प्लेसमेंट फासला है लेंथ है इसकी डायमेंशन एल और ये टाइम है इसकी डायमेंशन टी और ये डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायमेंशन होगी एल। अब इन सबको कंबाइन करके लिखें तो दिस विल बिकम एम एल एंड टी इंटू टी टी स्क्वेयर और फाइनल आंसर में तमाम डायमेंशंस को एक स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखें, इस एल को भी एक स्क्वेयर ब्रैकेट में लिख लिया तो ये बनेगा एम एल स्क्वेयर ओवर टी स्क्वेयर। और फर्दर हम इसको लिख सकते हैं द डायमेंशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर और ये बटे में टी स्क्वेयर है तो ऊपर जाके बनेगा टी पावर माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन।